दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये वाला कैलकुलेटर हाई डे पे और ये आपके मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल हो गया है। इस ऐप के अंदर आपके पर्सनल फ़ोटो थे, पर्सनल वीडियोस थी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और इन्हें वापस लाने के लिए आपने फिर से इसी कैलकुलेटर हाई डे को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करा है, मगर फिर भी ये फ़ोटो और वीडियो आपके वापस नहीं आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं आप कैसे अपने फ़ोटो और वीडियो को वापस लाएंगे अगर आपके मोबाइल फ़ोन से ये वाला कैलकुलेटर हाई डे अनइंस्टॉल हो जाता है। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखें, इस वीडियो के अंदर ही आपको इस कैलकुलेटर हाई डे के बारे में जानकारी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आपके फ़ोटो और वीडियोस वापस आ जाते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, बात करेंगे कैसे फ़ोटो वीडियो को वापस लाएंगे अगर ये कैलकुलेटर हाई डेप अनइंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन से ये कैलकुलेटर लॉक अनइंस्टॉल हो गया है या फिर किसी और ने अनइंस्टॉल कर दिया है और इसी कैलकुलेटर हाई डेप में आपके फ़ोटो थे और वीडियोस थी जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको इस ऐप की रीडिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो इस ऐप की रीडिंग है वो है 4.3 डाउनलोड है इस ऐप के 50 मिलियन प्लस। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन से यही कैलकुलेटर हाई डेप अनइंस्टॉल हुआ है तो आप अपने फ़ोटो और वीडियोस को वापस ला सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कैलकुलेटर हाई डेप अनइंस्टॉल हुआ है तो आपको पहले इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद आप अगर वही सेम लॉक डाल के इस ऐप को ओपन करते हैं तो आपके फ़ोटो वीडियोस वापस आ जाते हैं 80%। तो अब आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ़ोटो वीडियोस को वापस ला सकते हैं अगर आपके मोबाइल फ़ोन से ये कैलकुलेटर हाई डेप अनइंस्टॉल हो जाता है। तो अब आपको सर्च बार पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है MI फाइल मैनेजर, ये आप सर्च करेंगे। ये सर्च करने के बाद आपके सामने ये ऐप आएगा। बात करें इस ऐप की रीडिंग की, 4.5 रीडिंग है, डाउनलोड है इस ऐप के 1 बिलियन प्लस। तो आपको इसी ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप इस ऐप को ओपन कर लेंगे। ऐप ओपन करने के बाद आपको इस ऐप की सारी परमिशन को अलाउ करना है, उसके बाद आप 3 बार पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है शो हाइड एंड फाइल, आपको इसे ऑन करना है जैसे कि मैंने करके रखा है। और अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है और अब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक फोल्डर देखना है, फोल्डर का नाम है डोंट डिलीट मी, यही फोल्डर आपके मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फाइल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सभी फोल्डर को एक एक कर ओपन करना होता है। फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपके सारे फ़ोटोज़ सारे वीडियोस आकर सेव हो जाती है। अगर आप इन्हें ओपन करना चाहेंगे तो ये यहाँ से अभी ओपन नहीं होंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम कैसे अपने इन फ़ोटो को अपनी वीडियोस को कैसे सही कर वापस ला सकते हैं। इन्हें वापस लाने के लिए पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप इन्हें ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सामने ओपन नहीं होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कैसे इन फ़ोटो और वीडियोज़ को सही कर वापस ला सकते हैं। इन्हें सही करने के लिए अब आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हाँ दोस्तों अगर आपके फ़ोटो और वीडियो वापस आ गए हैं तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फ़ोटो और वीडियो वापस लाने के लिए आपको पहले यहाँ पर देखना होता है कि आपका कौन सा फ़ोटो है और कौन सा वीडियो है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो कम साइज़ का आपको देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 MB का है तो ये हमारा फ़ोटो है, और जो हमारी वीडियो होती है उनका साइज़ यहाँ पर काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका साइज़ है 639 MB का, तो ये हमारी वीडियो है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वीडियोस को कैसे सही करेंगे और कैसे वापस लाएंगे। आपको इस पे इस तरह से होल्ड कर रखना है, नीचे आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रीनेम का। अगर आपका वो ऑप्शन वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो आपको मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा रीनेम का ऑप्शन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पर कोई एक नया नाम सिलेक्ट करना है और आगे आपको डॉट लगाना है, फिर लिखेंगे आप MP4। ये लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है
और यहाँ पर भी ओके पे क्लिक कर देंगे और ये वीडियो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। मैं आपको ये वीडियो एक बार प्ले कर भी दिखा देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो बिल्कुल हमारी सही हो गई है, वीडियो की क्वालिटी में कुछ भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा है। तो अब हम यहाँ से बेक करते हैं। यहाँ से बेक करने के बाद अब मैं आपको एक दो वीडियो और सही कर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसका साइज है 128 MB का, तो इस पर हम होल्ड कर रखेंगे, मोर पे जाएंगे, रीनेम पे जाएंगे, पूरा बिल्कुल क्लियर कर देंगे। इस तरह से क्लियर करने के बाद यहाँ पर कोई एक नया नाम रखेंगे, फिर डॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे MP4 और ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी ओके पे क्लिक करना है और ये वीडियो भी हमारी यहाँ पर सही हो गई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो मैंने आपके सामने प्ले कर दी है। तो अब हम यहाँ से बेक करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कैसे अपने फ़ोटो को ठीक करेंगे। फ़ोटो को ठीक करने के लिए पहले आपको देखना है आपके फ़ोटो यहाँ पर कौन से है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका साइज यहाँ पर कम MB का होता है, जैसे कि ये यहाँ पर 2 MB का है, तो यही हमारा फ़ोटो है। तो इसे सही करने के लिए आपको इस पर होल्ड कर रखना है, मोर पे क्लिक करेंगे, नीचे रीनेम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, बिल्कुल क्लियर यहाँ पर आपको कर देना है। और यहाँ पर आपको कोई एक नाम सेलेक्ट करना है, आगे डॉट लगाएंगे, आगे लिखेंगे PNG। अगर आपका इससे भी फोटो ठीक नहीं होता है तो आपको लिखना है JPG। ये लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पर भी ओके पे क्लिक कर देंगे और ये फ़ोटो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप देख सकते हैं ये फ़ोटो हमारा बिल्कुल क्लियर आ गया है और फ़ोटो की क्वालिटी में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसा फ़ोटो था हमारा वैसे ही फ़ोटो हमारे सामने शो हो गया है। तो मैं आपको एक दो फ़ोटो और यहाँ पर रिकवर कर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये 2 MB का है, इस पर होल्ड कर रखेंगे, मोर पे जाएंगे, रीनेम पे जाएंगे, इसे बिल्कुल क्लियर कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम एक नया नाम सेलेक्ट करेंगे और आगे हम डॉट लगा देंगे और लिखेंगे PNG और ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी ओके पे क्लिक करना है और ये फ़ोटो भी हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ़ोटो की क्वालिटी में हमारे यहाँ पर कुछ भी फ़र्क देखने को नहीं मिला है, फ़ोटो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमारे सामने शो हो गया है। तो अब हम यहाँ से बेक करते हैं। यहाँ से बेक करने के बाद अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, काफ़ी हमारे फ़ोटो हैं, तो हमें इन्हें यहाँ पर एक एक कर ही ठीक करना है। आप अगर सोच रहे हैं कि हम इन्हें एक साथ सभी को सिलेक्ट करके सही कर लेंगे, दोस्तों इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक साथ यहाँ पर सभी को सिलेक्ट करेंगे और मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रीनेम का ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर एक एक कर ही ठीक करना होता है। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो है और इसका साइज़ है यहाँ पर 1 GB और 480 MB का। तो इस पर हम क्लिक करके रखेंगे, मोर पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर शुरू में हमें कोई एक नाम डालना है, आगे डॉट लगाना है, आगे लिखेंगे MP4। MP4 लिखने के बाद हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होता है ओके पे। तो पहले मैं यहाँ से इसे बिल्कुल सही कर देता हूँ। तो अब हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी ओके पे क्लिक करना है और ये वीडियो भी हमारी बिल्कुल सही हो गई है। मैं आपको ये वीडियो भी प्ले कर दिखा देता हूँ। तो वीडियो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और वीडियो में कोई भी फ़र्क देखने को हमें नहीं मिला है। तो अब हम यहाँ से बेक कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटो अपने सही कर लेता हूँ, कुछ वीडियो सही कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इन फ़ोटो वीडियो को अपने किसी और फोल्डर में ले जाकर सेव करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ फ़ोटो और कुछ वीडियो को सही कर लिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इन फ़ोटो वीडियो को अपने किसी और फोल्डर में ले जाकर सेव करेंगे। उसके लिए पहले आपको इन पर होल्ड कर रखना है। इस तरह से आपको अपनी इमेज को, वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे लिखा हुआ है मूव, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंटरनल स्टोरेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप एक नया फोल्डर बनाएंगे। सिंपली मोर पे क्लिक करेंगे, क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक नया फोल्डर बना लेना है, ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर आप इस फोल्डर को चेक करेंगे कहाँ पर आपका फोल्डर आकर सेव हुआ है, ये रहा न्यू फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे, पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे फ़ोटो वीडियो यहाँ पर आकर सेव हो गए हैं। तो दोस्तों अब आप चाहे तो इन फ़ोटो वीडियो को अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में भी ले जाकर सेव कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इन्हें अपने किसी और हाइड ऐप लॉक में ले जाकर सेव कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया बस इसी तरह से आपको अपने फ़ोटो वीडियो वापस लाने होते हैं अगर आपके मोबाइल फ़ोन से कैलकुलेटर हाइड ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कराए तो फॉलो भी कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है बस इसी तरह से आप अपने फ़ोटो और वीडियोस को वापस ला सकते हैं अगर आपके मोबाइल फ़ोन से ये कैलकुलेटर हाइड ऐप अनइंस्टॉल हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अभी तक आपने अगर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं कराया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप जाकर ये सर्च करेंगे तो आप यहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तो अब चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।